अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए हम आपको ये है उपल के पास एक जो है दरगाह हज़रत ग़ुलाम दस्तगीर, जिसका जो है एक कब्रस्तान है 104 गज का। वहाँ पर जो है ये जोनल कमिश्नर को जो है एक लेटर दिया गया और जो है टाउन प्लानिंग सेक्शन को दिया गया, जिसके जो है इंचार्ज जो है कब्रस्तानों के इंचार्ज सत्तार साहब है, जो टाउन प्लानिंग ACP रह चुके, उनको जब ये लेटर्स ले जाकर दिया गया, वहाँ पर जो है कब्रस्तान के पीछे एक बाजू से उसके लगकर एक नाला जा रहा, जो वो गंदा पानी, शायद हम ये समझते कि जो है वो गंदा पानी शायद खबरों में उतर रहा होगा, तो जाकर उसको रेक्टिफाई करो। और उसके पीछे ही बिल्कुल मंदिर है, ये बिल्कुल उपल चौरस्ते से थोड़ा आगे है, वहाँ पर उनको जो है लेटर्स नुमाइंदगी की गई, जनाब असदुद्दीन ओवैसी MP साहब का लेटर और MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफरीदी का लेटर जो है 23/20/2020 को दिया गया और MP साहब का लेटर 28/12/2020 को दिया गया। तो सत्तार साहब का ये कहना है, मैं ना MLC को मानता हूँ ना MP साहब को मानता हूँ, वो फाइल को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हम बोलना भी ये नहीं चाह रहे हैं कि जो ना फाइल को देखना भी नहीं चाह रहे हैं, तो उनको किस तरीके का ईगो है नहीं मालूम। और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं सत्तार साहब को, सत्तार साहब आप भी मरना है और आप भी जो है खबर में जाना है, तो क्या अगर आपकी खबर के अंदर भी जो है गंदा पानी आया तो आपके जो है विरसा को कैसा मालूम होगा, कैसी तकलीफ होंगी, जो वहाँ पर कबूर है पिछले जो है 3-4 पीढ़ी से आ रहा, और ये जो है आंध्र प्रदेश गजट के अंदर है, गजट बताने पर भी जो है वो बता दे के जाएगा, आप जाके GHMC से जो है नोटिफिकेशन लाइए और मैं इसको जो है रोड वाइंडिंग में जो है मैं ले लेता हूँ। तो क्या जो है वक्फ बोर्ड और जो है GHMC कमिश्नर साहब, क्या इनको इतनी अथॉरिटी दे दिए कि ये जो है रिलीजियस प्लेसेस को, मजहबी प्लेसेस को भी जो है इन्हों बुलडोज़र चला देते बोल रहे। तो हम जो है GHMC कमिश्नर और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से, KCR साहब से, KTR साहब से जो है मीडिया के जरिए अपील कर रहे हैं कि ऐसे ऑफिसर्स को रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जब एक जो है प्रोटोकॉल के तहत हैदराबाद MP और एक MLC के लेटर को उन्होंने रिजेक्ट कर दे रहे हैं, मैं फाइल नहीं देखना चाह रहा हूँ, आप जाकर जो है बोल दीजिए बोल के बता रहे हैं, तो इस पर जो है MP साहब भी और जो है MLC साहब भी जो है इस पर इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम इसमें काफ़ी पूरे पेपर्स जो है इसमें शाया कर रहे हैं, जो उपल सड़क की तोसी के नाम पर जो है छिल्ला मुबारक का अंदाम बोलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर फौरी तामीर कर दी गई थी वक्फ बोर्ड। तो सारे चीज़ें रखने के बावजूद जो है फिर ये डिपार्टमेंट जो है क्यों इस तरीके से जो है लोगों से जो है पेश आ रहे हैं, लोग परेशान हैं पहले कोविड से, अब ये इनो नाले को जो है बनाओ बोले तो जो है ये बता रहे हैं कि जो है अभी मैं ये कब्रस्तान को जो है कल परसों में ला के जो है बुलडोजर लगा देने वाला हूँ। तो क्या साहब ये ऐसे जो है कम्युनल माइंडेड जो ऑफिसर से बताया तो ये जाता कि BJP वाले कम्युनल है, BJP वाले आके कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन जो है जब हैदराबाद MP का लेटर देने के बाद बताने के बाद और वहाँ के लोगों का जो है इसमें हम जो है पेपर्स भी लगा रहे हैं कि जो है कई जो है हिंदू लोग जो है जिसके नामों के साथ में हम बता रहे हैं, सतीश नाम है, जी कुमार चारी है, मोहम्मद हुसैन मोहसिन है, अजय सिंह है, अफसर है, जुबेर एजाज, अनंत राज, विजय, ये सारे जने अपने जो है सिग्नेचर्स करके सिग्नेचर ऑफ द लोकल एरिया बोलकर बताए। और हम उपल MLA साहब से भी जो है अपील कर रहे हैं कि MLA साहब आपके एरिया में ये क्या हो रहा है, TRS गवर्नमेंट जो है आखिर क्या करना चाह रही, क्या ऐसे जो है बिल्कुल कम्युनल जहन के ऑफिसर्स को जो है आप लोग बिठाकर जो है शहर का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं क्या। पिछले टाइम जो है जहाँ एकाना मस्जिद शहीद हुई, सेक्रेटरीट के मस्जिदा शहीद हुए, फिर बताते दूसरे जो है कम्युनल है, तो TRS गवर्नमेंट अगर जो है KCR साहब ये बताते कि जो है मैं हिंदू मुस्लिम दोनों को एक आंख से देखता हूँ, तो फिर ऑफिसर्स को आप लोग इतनी आकर क्या अथॉरिटी दे दिए। फिर MLA MP अगर नहीं है तो फिर MLA MP को नहीं मानते बता दीजिए, ऑलरेडी जो है इसके ऊपर इनका जो है पिटिशन भी है हॉनेबल जस्टिस श्री अभिषेक रेड्डी साहब का, अभिषेक रेड्डी हॉनेबल जज का जो है हॉनेबल कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसके बावजूद भी जो है इन्हों उसको जो है इक्वल टू जो है वो करे वैसा, कंडम ऑफ कोर्ट करे वैसा है, तो इनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे ऑफिसर्स को जो है ये प्रीवियस में भी जो है ओल्ड सिटी में भी जो है इन्हों टाउन प्लानिंग रह चुके, काफ़ी लोगों को परेशान किए, 2700 लोग है। तो हम कमिश्नर साहब से, मैडम मेड से और जो है हायर अथॉरिटी से जो है MA & UD डिपार्टमेंट KTR साहब से अपील कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है ट्रांसफ़र नहीं बल्कि जो है इनको इनकी नौकरी से इनको जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। हम ये बताते हुए हमारी ये रिपोर्ट बता रहे हैं और इस पर जो है ये मेन रोड पर है, आइंदा जो है इन्हों कोई ऐसी हरकत ना करे, फौरी दो कम्युनिटी से वहाँ पर
एक तो मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, दूसरा जो है पीछे मंदिर है। तो दोनों कम्युनिटी को भी जो है, जिस तरीके से कब्रिस्तान को कोई जो है अपने फूल चढ़ाने आते और उसी तरीके से मंदिर को पूजा करने आते, तो वो दोनों के लोगों को भी जो है आने जाने के लिए वो नाला जो है तकलीफ दे है। वहाँ पर पाइप डालना चाहिए, वहाँ के कॉरपोरेटर और MLA साहब जो है उसको जो है इमीडिएट विजिट करना चाहिए वहाँ पर। आखिर जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंस में क्या हो रहा है उनको नॉलेज होना, उनको जो है सिर्फ जो है कुछ अपना जो है देख ले रहे हैं, CM साहब जो है क्या बता रहे हैं क्या है, बस जो है बोल दे रहे हैं कि जो है BJP कम्युनल है फलां ऐसा, जबकि फिर आप लोग अपना डेवलपमेंट जो बताते हैं, ये डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, ये ऑफिसर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको आप जो है असेंबली में इसकी आवाज़ उठाना चाहिए, कॉरपोरेटर काउंसिल में आवाज़ उठाना चाहिए। अगर इस तरीके के कोई चीज़ें नॉलेज में आते हैं तो ऐसे ऑफिसर्स को फौरी इनकी जो है नौकरी इनको बर्खास्त करके जो सेकुलर माइंडेड है वैसे ऑफिसर्स को रखना चाहिए दोनों कम्युनिटीज़ को, क्योंकि जो है ये लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मीडिया की अपील के ज़रिए इस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं हमारी मीडिया के ज़रिए जो भी हम ये बताएं, आप जो है CM साहब, आप जो है चेयरमैन तो अभी स्टेट ऑलरेडी जो है प्रीवियस में जो है यहाँ पर सलीम साहब का भी विजिट हो चुका है, उनका भी इसमें लेटर लगा हुआ है जो हम इसमें जो है आपको आगे बताएंगे हमारे रिपोर्ट में। मैं ये बोलते हुए हमारे चैनल के ज़रिए रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, देखिए आप। हम लोग जो है उपल कब्रिस्तान के पास चौरास्ता मेट्रो स्टेशन से आगे जो भूंजी की हाईवे रोड जा रही है इस पर हैं, और आपको याद होगा थोड़ा याददाश्त पे जाते हुए बताना चाहूँगा कि 5-6 महीने पहले मास्टर प्लान हुआ इस रोड का, जहाँ पर आगे के कब्रिस्तान को भी तोड़ दिया गया था, जिस पर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर जो है रात रात उसको छिल्ले को बहाल किया गया और इस कब्रिस्तान की ज़मीन को भी तोड़ा जा रहा था। हम हैदराबाद एक्सप्रेस और दीगर चैनल्स के साथ यहाँ पर आए थे और उस वक्त भी हम जो है बात करके मुकामी पुलिस और तहसीलदार से नुमाइंदगी करते हुए इसको हाईलाइट किए थे। उसके बाद इस कब्रिस्तान की देखिए अभी हिसारबंदी पूरी गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ करवाई गई थी, ये मामला तय हुआ और वर्क बोर्ड में ले जाकर हम इसको बताए, ये पेपर्स हैं, असद साहब का लेटर है इसके अंदर, ये देखिए आप, ये तमाम पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे इसके, और ये गुलाम मजीद साहब जो इस कब्रिस्तान के आबो इताद इनके पूरे यहाँ पर मौजूद है, ये कब्रिस्तान के मौजूदा जिम्मेदार हैं और इनके लिए मुतवल्ली के कागजात भी डाले गए हैं वर्क बोर्ड के अंदर, वो भी तकरीबन गजट वगैरह तैयार हो चुका है। अब मसला ये है कि इस कब्रिस्तान के मुतसिल बाजू से एक नाला बह रहा है, जिसके लिए हम दो रोज़ खबर भी न्यूज़ बताए थे और उसके बाद इन्होंने जाकर बल्दिया ऑफिस में नुमाइंदगी की और लेटर्स दिए। अब आइए हम बात करते हैं इन्हें क्या जवाब मिला और बल्दिया वालों के पास से क्या कहा गया। जनाब मुझे हमारे माजी साहब आप ये बल्दिया के ताल्लुक से नाले के ताल्लुक से लेटर ले आके किसको दिए और लोग क्या जवाब दिया अब हमको बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मेरा नाम गुलाम माजी अब्बास है, मेरे वाली साहब गुलाम उस्मान साहब है, ये कब्रिस्तान का जो समय वन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकद या आसान अकसात पर नेटको फार्मा, PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ फौरी मुलाकात करें वन सिटी डेवलपर्स, ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 9505704041।